गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4। तो जो हमारे पास 3.4 है उसमें हम नया मेथड पढ़ेंगे, वो रहता है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हम डिवाइड करते हैं टर्म्स को, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हम दोबारा से इक्वेशन नंबर वन मानेंगे और इक्वेशन नंबर टू। एलिमिनेशन मेथड लगाना बहुत इजी है, हमें पहले बराबर करना है। क्या इस पोजीशन पे 2x है, इस पे क्या है x। अगर हम एक साइड बराबर कर देंगे तो हम सिंपल से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन वन, किससे मल्टीप्लाई किया, टू से। इक्वेशन टू से मल्टीप्लाई किया एंड सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। तो इक्वेशन टू को 2x प्लस 2y, अगर यहां पे 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर मैं इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 यहां भी मल्टीप्लाई करेगा, यहां भी और यहां भी, तो आ जाएगा क्या 2x 2y एंड 10। और सब्सट्रैक्ट करना है, नीचे वाले को हमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, जैसा वैसे ही राइट करेंगे। तो आ गया, अब जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस करेंगे, जहां माइनस है वहां वहां प्लस। तो 2x से 2x कर दिया, ये भी प्लस का है और ऊपर वाला प्लस का है, कुछ कितना हो गया 5। तो आ गया हमारे पास 5y, जब इसको सब्सट्रैक्ट किया तो आ गया 6। तो y की जो वैल्यू आती है y इक्वल टू 6 ओवर 5, y की वैल्यू कितनी आई 6 ओवर 5। तो अब हमें जो y की वैल्यू है वो पुट करनी है किसी भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 में करें चाहे 2 में। तो मैं 1 में कर रहा हूं, तो x प्लस 6 ओवर 5 इक्वल टू 5, तो x आ गया 5 माइनस 6 ओवर 5। एलसीएम लेंगे 25 माइनस 6 ओवर 5 19 by 5। हमारा क्वेश्चन यही पे सॉल्व हो गया। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 रहेगा वो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, मुझे अगर यहां पे 3 है यहां पे 2, तो सिंपल सी बात है इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करो और इस 3 को इधर से। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रहा और इक्वेशन नंबर 2 ये रही। दोबारा से क्या लिखे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 एंड सब्सट्रैक्ट भी कर दिया 1 को 2 से। अगर हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, और जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। सब्सट्रैक्ट प्लस ये कट गया, 14y 14 आ गया, y की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो वैल्यू है ये कहां डालें, देख लेते हैं कौन सी क्वेश्चन, 1 में डाल, 1 में डालते, तो आ गया
the value of y is 1. 1 में डाला 3x plus 4 multiply 1 10 आ गया 3x 10 6 आ गया x की वैल्यू आ गया x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 1 आ गई। ये तो क्वेश्चन था हमारा, ये गई खत्म हो गया। इसके अब आगे नेक्स्ट बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो होमवर्क रहेगा। इसका थर्ड पार्ट है फोर 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 एंड 9x माइनस 2y सेवन। फोर्थ पार्ट है x by 2 plus 2y 3 minus 1 and x minus 5 by 3 equals to 3। इसके तो आगे वाले पार्ट है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।